गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। हो जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बचपन, अच्छे बुरे, झूठ सच, अभावों धोखा फरेब, इन सब से बेखबर अपनी अनोखी मासूम दुनिया में डूबा बचपन। बचपन का मतलब ही है ढेर सा प्यार, मस्ती और चंचलता, माता पिता के स्नेह और दुलार की घनी छांव के तले विकसित होते ये बेफिक्र बच्चे कल देश और समाज के निर्माण में हाथ बटाएंगे। लेकिन चंद बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिनके लिए बचपन का अर्थ बिल्कुल ही अलग है। हालांकि इन मासूमों को शायद आज इस बात का एहसास भी ना हो, लेकिन सच्चाई कल जरूर इनसे रूबरू होगी। आज इन बच्चों को माँ की गोद अवश्य मिली है, पर भविष्य इनसे इसकी बहुत बड़ी कीमत वसूलेगा। ये बच्चे उन माताओं की संतान हैं जो अक्सर परिस्थितिवश या मजबूरी में हुई किसी दुर्घटना के कारण अपराधी की श्रेणी में आ जाती हैं। जीवन के बीज को अपने शरीर में धारण कर उसे अपने तन मन से पुष्ट पल्लवित करने वाली जननी के प्रेम से भला कौन सा भाव अधिक गहरा और पूर्ण हो सकता है। यही मातृत्व अगर छिनने की कगार पर आ जाए तो कैसा लगेगा किसी भी नारी को। जहां एक ओर बिखरता बचपन है, वहीं दूसरी ओर है व्यवस्था एवं वात्सल्य के बीच हिलोर लेती अगाध ममता। मातृत्व तो जीवन का आधारभूत सत्य है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता, पर हां जाने अनजाने कुंठित अवश्य किया जा सकता है। इन महिलाओं को ही ले जो किसी अपराध के फलस्वरूप जेल में सजा काट रही हैं। महिला की आज के इस युग में अपराध जगत में एक बार शामिल हो जाने के बाद उसका सामाजिक जीवन लगभग समाप्त हो जाता है। आदमी तो किसी न किसी प्रकार से पुनर्वासित हो जाते हैं, लेकिन महिला को लोग निश्चित ही दुत्कारते रहते हैं। देवर देवरानी अलग थे, हम लोग अलग थे, सास ससुर और हम लोग। तो वो रात में कुआं में कूद गई, पता नहीं मालूम नहीं हमको। उनके मायके वाले नाम लिखवा दिए, बंद करवा दिए, घर घर परिवार छूटा है, खेती बाड़ी डली है सब कुछ। एक बच्चा एक बच्ची मौसी के यहाँ हैं, और हमारे ससुर और ककिया ससुर और वो हमारे देवर देवर के दो लड़के हैं, और हमारे हस्बैंड सब थाने में बंद है। मेरे को भाभी के केस में लाया गया है, मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जी। आपके कोई बच्चे हैं? जी मेरा जो बच्चा है। कितना बड़ा है? 4 साल का, 4.5 साल का। तो यानी जिस समय आप यहाँ आई उस समय बच्चा आपके पास था? जी छोटा लेके आई थी, रखने वाले सब थे, छोटा बच्चा था 28 दिन का, तो कैसे छोड़ते उसको। अब तो बच्चा बड़ा हो गया जी, उसको आप अपने पास रखें? हमारा मन नहीं होता कि हम घर में रखें उसको। 6 साल हो गए सर, जब हम उसको लेके आए थे तो छोटा था, 3-4 महीने का जी सर। अब दुख को थोड़ा कम करना पड़ता है, बच्चे के साथ हंस बोल लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। माँ के साथ बच्चों का जेल में रहना दोनों की ही अनिवार्यता है, पर क्या जेल में पल रहा बच्चा अनचाहे ही कैदी सा बंदी जीवन तो नहीं व्यतीत कर रहा?
बच्चा जब जेल में रहता है तो उसके मन पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ते ही हैं। बच्चे देखकर सीखते हैं, अतः भाषा, आदतें, ये सारी चीज़ें वो जेल के वातावरण से सीखते हैं। उनके स्वयं के आदर्श भी वो वहीं से सीखते हैं। कई बार कुछ आदतें जैसे नशे, खासकर तम्बाकू, अक्सर बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं। जब बच्चा जेल से निकलता है तो वो आश्वस्त बच्चा नहीं होता, उस तनावपूर्ण वातावरण से वो आश्वस्त नहीं रह पाता, इसलिए उसका भावनात्मक जीवन जो होता है वो डावाडोल होता है। ये बच्चे जब इस चूँकि मुख्यधारा से नहीं जुड़े होते हैं तो इस वातावरण से बाहर निकलते हैं तो समाज के साथ व्यवहार में उन्हें कठिनाई होती है। क्या दंड विधान से जुड़े चिंतकों ने न्याय की इस विडंबना पर विचार किया है? जो महिलाएं, महिला बंदी जो आती हैं, उनके साथ जो छोटे बच्चे आते हैं जिनको इन्फेंट कहते हैं, या कुछ महिलाएं ऐसी भी आती हैं जिनका प्रसव यहीं जेल में ही होता है, उनके सजा भोगने का अवसर समय होता है, ऐसी महिलाओं के बच्चे, उनके बारे में हमारे पास कुछ नहीं लिखित में है। सिर्फ महज इतना लिखा हुआ है कि 6 वर्ष के जब ये हो जाती हैं, 5 वर्ष की हो जाते हैं, उसके उपरांत इनको हम कोई भी किसी भी अनाथालय में जो शासन के द्वारा अनुमोदित हो या आर्थिक रूप से जो शासन की राशि प्राप्त करता हो, ऐसे अनाथालय में उन लोगों को भेज दें। माँ भी इस विडंबना से मुक्त नहीं है, उसकी स्थिति सदा देवकी जैसी बनी रहती है। संतान को त्याग दे तो बिछोह कैसे सहे, और न त्यागे तो उसकी प्राण रक्षा कैसे हो? कौन माँ अपने बच्चे को छोड़ना चाहेगी सर? जब तक रहेगी तो अपने पास में रखना चाहेगी, लेकिन छूट नहीं है। 7 वर्ष तक रखते, 7 वर्ष के बाद बच्चे को बाहर निकाल देते। नींद नहीं आती रात में, बच्चों की याद आती तो कभी कभी रात में उठ के बैठ बैठ कर रोती रहती हूँ, बच्चों की याद बहुत सताती। अभी छुट्टी से गई थी मैं, आज मेरे 29 दिन हुए घर से आए छुट्टी से। कैसा लगा बच्चों से? बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों के साथ मिलके। बच्चों को छोड़ते वक्त कैसा लगा जब वापस आए? बहुत दुख हुआ, मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे रास्ता तक, बहुत बस तक आए छोड़ने के लिए मेरे को, मेरे पति गेट तक आए थे छोड़ने के लिए। बच्चों ने बोला नहीं कि मत जाओ? बोला था बच्चों ने, मेरा बड़ा लड़का बोल रहा था मम्मी तुम मत जाओ, मैं जा रहा तुम्हारे बदले में जेल। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता है, तो बोले नहीं मम्मी ऐसा करके देखें, मैं साफ से बात करूंगा कि मेरी माँ के बदले में जेल में काटूंगा। जेल से बाहर समाज परिवार के साथ रहने पर माँ का अभाव, देखरेख में कमी, जहाँ बच्चे को स्वस्थ विकास से वंचित करती है, वहीं जेल के अंदर बच्चे का जीवन अपने आप संकुचित हो जाता है। जब से मैं जेल आई थी मेरे बच्चे नहीं स्कूल नहीं जाते, उनको तैयार करने वाला कौन है घर में? गंदे भी तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। 8वीं पढ़ रहा था बड़ा लड़का, तो परीक्षा नहीं दी। महिला कैदी के साथ छोटी उम्र के बच्चों को जेल में रखे जाने का प्रावधान अवश्य है, पर उनके पालन पोषण की बारीकियों के बारे में कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। फिर भी जेल अधिकारी अपनी समझ और संवेदना के अनुसार इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकाल लेते हैं। इस संदर्भ में जबलपुर केंद्रीय जेल में किए गए प्रयोगों को खूब सराहा गया है। हम लोगों ने एक औपचारिक रूप से एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम चुनुगुन रखा। चुनुगुन सभी जानते हैं, चिड़िया के बच्चे जो घोंसले में रहें, तो एक जेल एक घोंसला है उन बच्चों के लिए। पहला तो घर का, परिवार का एक माहौल दिया इनको, फिर उनको पढ़ाने लिखाने के लिए जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए एक स्कूल का प्रबंध किया हमने जेल में। एक जहां महिलाएं रहती हैं वहां से दूर एक हमारे पास स्कूल है, उसका हमने नर्सरी नाम रखा है। सुबह लड़के 7:30 बजे आते हैं और 11 बजे तक रहते हैं, दूसरे टाइम 3:30 बजे आते हैं, 5:30 बजे तक रहते हैं। हमने इन बच्चों के जीवन को 4-5 प्रकार से समझने का प्रयास किया कि इनकी मानसिकता में कैसे हम परिवर्तन करें, हम इनके शारीरिक देखरेख कैसे कर सकें, हम इनको एक ऐसा वातावरण कैसे दे सकें कुछ सीख सकें,
और फिर समाज के लोगों से बाहर मिल सकें, बातचीत कर सकें, हमने समाज सेवी संस्थाओं को जोड़ा। सभी ने प्रयास किया और बच्चों को जेल में भी खुले समाज सा वातावरण मिलने लगा। माएं रोज सुबह उन्हें नहलाती, तैयार करती, स्कूल के लिए टिफिन देती और बच्चे अपने बस्ते के साथ पहुंच जाते हैं स्कूल। प्रार्थना करवाती हूँ बच्चों से, उसके बाद शाला में आते हैं, दो चार मिनट बैठते हैं बच्चे, उसके बाद मैं ध्यान भी करवाती हूँ बच्चों से और उनको श्लोकों बताती हूँ जो धार्मिक हो, जो उनके जीवन से संबंधित हो, उनको खुशी मिले, आनंद मिले। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है उससे जुड़े लोगों में सदाशयता और विश्वास। अध्यापन तो वैसे भी मातृत्व प्रधान कर्म है। मैं पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा इनसे कोई पुराना रिश्ता है। किसी एक कमजोर क्षण में किए गए कृत्य की सजा भुगतती महिला के लिए बहुत संतोषजनक है उसके बच्चे की अच्छी पढ़ाई लिखाई होना। अपने तमाम दुखों के बीच वो इस बात पर गौरव महसूस कर लेती है। स्कूल पढ़ने जाता है, खाने पीने को नाश्ता वास्ता उनको सब मिलता है। आते हैं महीने में, दो महीने में बच्चे मिलने आते हैं आश्रम से, तो अपना जो बनता है बच्चे के लिए कर देते हैं। जिस महिला को वो बेटा है उसके मन में एक बात ये आ गई है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, मतलब हम अपने बच्चे को यहाँ रह के भी एक अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए एक आशा की किरण जगी है मन में कि शायद कल का ये मेरा बेटा कल का मेरा आधार बने और इस आशा के सहारे वो अपनी सजा काट लेगी। बच्चों की देखभाल तो की ही जाती है, उन बंदी महिलाओं का भी ध्यान रखा जाता है जो माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर सर को दिखवाने के बाद में उनको एल्गिन हॉस्पिटल भेजा जाता है, वहाँ से चेकअप होता है, उसकी डाइट अलग बन जाती है, डेली उसको दूध फल ब्रेड अंडे इस तरह से, फिर जब उसके पूरा टाइम आ जाता है डिलीवरी होना तब भी उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, और वहाँ से आने के बाद में पूरे घर की तरह जैसे डिलीवरी वाली को सामग्री दी जाती है पूरी दी जाती है। लेकिन जेल के अंदर 6 वर्ष की उम्र तक ही बच्चों को रखा जा सकता है, बड़ा होने पर उन्हें किसी बाल आश्रम में भेजा जाता है। वहां रहकर बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, मिलजुल कर पढ़ते हैं, खाते हैं, इतना रम जाते हैं कि माँ से दूर होने पर भी उन्हें अपने जीवन से शिकायत नहीं महसूस होती। मम्मी ने बोली थी अच्छे से पढ़ना। कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हें? वहाँ पे। कहाँ पे बताओ? अनाथालय में। मुझे क्या गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे ये बताओ। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने लाल किरण से चोंच खोल चुग बच्चों की लालसा ही नहीं वरन उनका अधिकार है प्रेम। समाज में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इन बच्चों को घर दे सकें, वात्सल्य का सहारा दे सकें। क्या किसी एनजीओ अथवा समाज सेवी संस्था ने इन्हें फॉस्टर पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? हमारे यहाँ जो जेल थी वो बच्चों के लिए जेल थी, किशोर गृह कहलाती थी वो। वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि वहाँ पर लोग बच्चों को अडॉप्ट कर सकते थे फॉस्टर पेरेंट्स के रूप में। परंतु जो हम लोग को अपने सेवा काल के समय पर, क्योंकि मैं तो नहीं रहा परंतु मेरे जो सहयोगी
कलीग्स जो रहते थे उनसे जब चर्चाएं होती थी, उनसे जानकारी प्राप्त होती थी, तो लोग उन बच्चों का उपयोग पुत्रवत न करके उनके साथ एक नौकर जैसा व्यवहार करते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप कई ऐसी घटनाएं पूर्व में हुई भूतकाल में कि वो बच्चे उनके घरों से या तो भाग गए और या फिर वापस जेल पर आकर उन्होंने कह दिया कि हम अब उनके यहाँ नहीं जाएंगे। तो ये एक अच्छा एक आई ओपनर था सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए कि फॉस्टर पेरेंट्स बनने वाली अभी योग्यता हमारे समाज में, लोगों में अभी पैदा नहीं हुई है। अनुभव खट्टे कड़वे होते हैं तो कभी सुखद भी। कुछ व्यक्ति और संस्थाएं लाचार और बेसहारा बच्चों की मदद करना अपना अधिकार, अपना कर्तव्य समझते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको मिसेस कमिश्नर हैं, मैं उनकी बात कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे बच्चों का जन्मदिन जिस महीने में रहता है वो उस महीने में मनाने के लिए आती हैं। पुरुष अपराधी भी जब सजा काट कर जेल से निकलते हैं तो उनके सामने पुनर्वास की, समाज का एक स्वस्थ अंग बनने की और अपनाए जाने की समस्या होती है। महिलाओं के साथ यह स्थिति और विषम हो जाती है। भारतीय सामाजिक ढांचे में आर्थिक शक्ति से हीन महिला लगभग पूरी तरह से पुरुष संचालित परिवार पर आश्रित होती है। ऐसे परिवार का सहारा न होने पर जेल से अधिक सुरक्षित स्थान उसके पास नहीं होता। समाज द्वारा माता के कर्मों का कठोर आकलन हो सकता है जेल, लेकिन बच्चा निरपराध ही सजा भुगतता है। माँ ने अपराध किया या नहीं किया, कानून ने उसे अपराधी कह दिया है तो अपराधी है, असामान्य है, हमारी जेल में है। ये बच्चे तो जिन्हें मालूम ही नहीं कि माँ यहाँ क्यों है, उसके प्रति हमारे समाज के लोगों से हमारी अपेक्षा है कि इन्हें समाज की ओर ले जाने के लिए, इन्हें एक राष्ट्र का इंसान बनाने के लिए अपने तन मन से जरूर इनको अपनाने का प्रयास करें। जुर्म, अपराध, दंड, विधान, न्याय, अनुकंपा, ये सब मनुष्य के मानवतावादी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। ऐसे ही विचारों और व्यवस्था के कारण हम आज स्वयं को पाषाण युग की सभ्यता के मुकाबले ज्यादा जहीन और समझदार मानते हैं। लेकिन आज भी हम वास्तविक अर्थों में सभ्यता के मापदंड से कोसों दूर हैं। तभी तो मातृत्व जघन्य अपराध को मजबूर हो जाता है। आदमी का मर्डर किए थे। किसके आदमी का? अपने आदमी का। क्यों? मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया था सर। आपके पति ने? जी। किसकी लड़की के साथ? मेरी लड़की के साथ। वो आपके पहले पति थे, दूसरे पति? दूसरा पति था। तो ये बेटा जो है आपका? उसी का है, जो जिसका मर्डर किए है उसी का है। आपको लगता है कि आपने ठीक किया? क्यों ऐसा लगता है? इसलिए लगता है कि अभी दो लड़की और थी सर, हो सकता है उसका फिर नियत खराब होती, फिर खलता। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद किया है, दूसरी को मैंने नहीं सोचने दी ऐसे करने के लिए। शहर में घूमते हुए कभी नजर डालिए तो अपने बच्चे को धूप, सर्दी, बरसात से बचाने की कोशिश करते माता पिता मिल ही जाएंगे। चिराग लेकर ढूंढिए किसी दूसरे के बच्चे के हिस्से की तकलीफ को दूर करने वाले बिरले ही मिलेंगे। सभ्यता के शिखर पर हम तभी पहुंचेंगे जब अपराध की विषम परिस्थितियों से जूझते निरपराध बचपन को अपनत्व और विश्वास की बगिया में खेलने का अवसर प्रदान करें। उनके बचपन पर बेमौसम घिराई बदली को अपने प्यार की आंच से दूर करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गावाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी
पंछी, हम पंछी।